सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अभी तक आप मेरे दो वीडियोज देख चुके होंगे, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, अरस्तु का विरेचन सिद्धांत और प्लेटो का काव्य सिद्धांत। तो इसी श्रृंखला में पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत या अरस्तु का त्रासदी विवेचन। तो इसको हम इन बिंदुओं के आधार पर इसका अध्ययन करेंगे, प्रस्तावना, फिर त्रासदी की परिभाषा तथा मुख्य तत्व। अरस्तु ने त्रासदी को किस तरह से परिभाषित किया है और त्रासदी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। अरस्तु के अनुसार त्रासदी के छह प्रमुख तत्व होते हैं, जिनमें पहला है कथानक या प्लाट, दूसरा है चरित्र चित्रण कैरेक्टर, तीसरा है विचार या थॉट, चौथा है पद विन्यास या डिक्शन, पांचवा है दृश्य विधान स्पेक्टेकल, और छठवा है गीत, और अंत में है उपसंहार। इन बिंदुओं के आधार पर हम देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि प्रस्तावना कि त्रासदी का जन्म कहाँ हुआ। अरस्तु की साहित्य शास्त्रीय चर्चा में जिस विधा की बड़े ही विस्तार और गहराई से चर्चा मिलती है वह है त्रासदी। जब हम अरस्तु की चर्चा करते हैं, उनके काव्य सिद्धांत की चर्चा करते हैं, तो जब से जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व उभर कर आता है वह है त्रासदी। वस्तुतः अरस्तु के युग के पहले ही यूनान में त्रासदी का रूप विकसित हो चुका था और वही अरस्तु के विवेचन का आधार बना। मतलब यूनान में साहित्य की एक विधा के रूप में, एक फॉर्म के रूप में त्रासदी का प्रचलन पहले से था और यही अरस्तु के त्रासदी विवेचन का आधार बना। त्रासदी ग्रीक साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा थी, एक आर्ट फॉर्म था ग्रीक साहित्य में। इसका आरंभ मध्य देवता डियोनिसियस के सम्मान में होने वाले समारोह में माना जाता है। त्रासदी की शुरुआत वहां पे एक मध्य देवता है, शराब के जो देवता है डियोनिसियस, उनके सम्मान में जो समारोह आयोजित किया जाता था यूनान में, है ना, वहीं से त्रासदी का उदय माना जाता है। इस समारोह में कलाकार बकरे के सिर जैसा मुखौटा धारण करके नाचते गाते थे। तो ये जो समारोह होता था उसमें जो कलाकार होते थे वे बकरा का जैसे मुखौटा होता है वैसे ही पहनकर नाचते थे। हमारे यहाँ कई जो आदिवासी समाज हैं, जनजाति समाज हैं, उसमें भी मुखौटा पहनकर जो नाचने की जो शैली है वैसी शैली वहां भी थी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में थेसियस नाम के एक विद्वान थे, ने इस नृत्य गीत की श्रृंखला के बीच बीच में छंदोबद्ध भाषणों की भी योजना की। त्रासदी का आरंभ यहीं से होता है। मतलब पहले तो खाली इसमें नृत्य और गीत होता था, लेकिन बाद में थेसियस नाम के जो विद्वान थे इन्होंने बीच बीच में इनमें भाषण देने की भी व्यवस्था की। बीच बीच में कोई पात्र आकर कुछ बोलकर चला जाता था और त्रासदी का आरंभ यहीं से होता है। ईसा के पहले की 5वीं शताब्दी आते आते यूनान में त्रासदी एक परिपक्व विधा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। जब 5वीं शताब्दी ईस्वी शुरू हुआ तब यूनान में त्रासदी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिया था। और एस्किलुस और सोफोक्लीज, यूरिपाइडीज जैसे नाटककार इस विधा को समृद्ध कर रहे थे। ये दो बड़े बड़े नाम हैं यूनान के जो साहित्य के, जो नाटककार एस्किलुस सोफोक्लीज और यूरिपाइडीज, यूनानी नाम है, कठिन नाम है, ये समृद्ध कर रहे थे। इन नाटककारों की कृतियां आज भी क्लासिकी साहित्य के अनुपम उदाहरणों में गिनी जाती है। मतलब इन्होंने जो त्रासदी लिखी, जो नाटक लिखे, वे आज भी क्लासिक लिटरेचर में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इनका अनुपम उदाहरण इन्हें माना जाता है। इस युग में त्रासदी यूनान में, उस समय त्रासदी के अतिरिक्त कामदी, महाकाव्य, गीति काव्य आदि विधाएं भी प्रचलित थीं, किंतु अरस्तु के पेरिपोइतिकेस, अरस्तु की जो रचना है पेरिपोइतिकेस में सबसे अधिक महत्व त्रासदी को ही दिया गया है और इस प्रकार से यही पश्चिमी काव्य चिंतन की आधारशिला रही। तो उस समय यूनान में केवल त्रासदी प्रचलित नहीं थी बल्कि कामदी, कामदी मतलब कॉमेडी, और महाकाव्य मतलब एपिक, और गीति काव्य, ये सारी विधाएं भी प्रचलित थी साहित्य में। लेकिन अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोरी पोइतिकेस, जिसे अंग्रेजी में हम ऑन पोएटिक्स कहा जाता है अंग्रेजी में, इस किताब में उन्होंने केवल और सर्वाधिक महत्व त्रासदी को ही दिया और यही पश्चिमी जो काव्य चिंतन है उसकी आधारशिला रही। इसी के आधार पर फिर बाद में लोगों ने त्रासदी की व्याख्या की, उसको व्याख्यायित किया। और अरस्तु के अनुसार त्रासदी की परिभाषा तथा प्रमुख तत्व। अरस्तु, अब हम देखते हैं अरस्तु ने त्रासदी को कैसे परिभाषित किया है
और त्रासदी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? अरस्तु ने त्रासदी को किसी गंभीर, स्वतःपूर्ण, निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति माना है। अनुकृति मतलब होता है नकल या फिर अनुकरण। तो त्रासदी क्या है अरस्तु के अनुसार? किसी गंभीर का कार्य, जो कार्य गंभीर प्रकृति का है, जो अपने आप में कंप्लीट है, पूर्ण है, उसको सहारे के लिए किसी और तत्व की आवश्यकता नहीं है पूर्ण होने के लिए, और निश्चित आयाम, जिसकी निश्चित आकार है, निश्चित सीमा है, ऐसे कार्य की अनुकृति है। मतलब त्रासदी एक ऐसे कार्य की अनुकृति है जो कार्य गंभीर है, जो अपने में पूर्ण है और जो अपने में निश्चित है, जिसकी सीमा निश्चित है, आदि मध्य और अंत है। यह समाख्यान रूप में ना होकर कार्य व्यापार रूप में होती है। मतलब त्रासदी में क्या होता है, कोई उसे नैरेट नहीं करता, कोई इसकी व्याख्या नहीं करता, कोई हमको सुनाता नहीं है कहानी के जैसे, समाख्या नहीं करता उसको, इंटरप्रेट नहीं करता, बल्कि यह कार्य व्यापार के रूप में होती है। कार्य व्यापार मतलब जो जो विभिन्न अभिनेता जो हमारे पास आते हैं, जो विभिन्न पात्र आते हैं, उनके अभिनय के द्वारा हम त्रासदी को समझते हैं, उनके एक्टिंग के द्वारा हम उसको समझते हैं। इसका माध्यम नाटक के विभिन्न भागों में तदनुरूप प्रयुक्त सभी प्रकार के आभरणों से अलंकृत भाषा होती है। और त्रासदी जो कि नाटक का एक रूप है, इसका माध्यम क्या होता है? भाषा होती है ना। त्रासदी का माध्यम है भाषा, और भाषा कैसी होती है? अलंकृत भाषा होती है, जिसमें रस, छंद, अलंकार इत्यादि का प्रचुरता से प्रयोग किया जाता है। उसमें करुणा तथा त्रास के उद्रेक के द्वारा इन मनोविकारों का उचित विरेचन किया जाता है। त्रासदी में मुख्य रूप से क्या किया जाता है? लोगों के मन में विद्यमान जो करुणा और त्रास की जो भावना है, उसको प्रचुर स्थिति में पहुंचा दिया जाता है, प्रचुरता की स्थिति में, मतलब उसको चरम स्थिति पर पहुंचा दिया जाता है। और जो दर्शक हैं वे पात्र के साथ साधारणीकृत हो जाते हैं। मतलब किसी पात्र के मन में जो दुख है, जो करुणा है, जो पीड़ा है, उसको दर्शक भी महसूस करते हैं, और दर्शक बहुत दुखी हो जाते हैं। इन भावनाओं का उनमें चरम रूप उत्पन्न हो जाता है, और इसके बाद उनका मन शांत हो जाता है, उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, वे शांत हो जाते हैं। और इसे ही विरेचन की संज्ञा देते हैं अरस्तु। वास्तव में विरेचन जो है चिकित्सा शास्त्र का शब्द है, जिसमें शरीर की गंदगी को बाहर निकालने के लिए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए दवाइयों के द्वारा शरीर की गंदगी को बाहर निकाला जाता है। इससे व्यक्ति का शरीर स्वस्थ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसे चिकित्सा शास्त्र में विरेचन कहा जाता है। इसी प्रकार जब लोगों के मन में त्रासदी को देखकर करुणा और दुख की प्रचुरता उत्पन्न हो जाती है, तब उनका मन भी शांत हो जाता है, इसका शमन हो जाता है, विरेचन हो जाता है। यह बताते हैं अरस्तु का काव्य शास्त्र नाम की जो किताब है डॉक्टर नगेंद्र की, इसमें अरस्तु के द्वारा जो परिभाषा दी गई है उसका उन्होंने यहाँ पर उल्लेख किया है। तो ऊपर हमने जो परिभाषा देखा, इस परिभाषा के आधार पर हम त्रासदी की प्रमुख विशेषताओं को समझ सकते हैं। और क्या क्या विशेषता होंगी? त्रासदी कार्य क्रिया अनुकृति है, कार्य का नकल है। मतलब हमारे जो दैनिक जीवन में हम जो काम करते हैं, मतलब लोग जो काम करते हैं, उसी का यह नकल है, अनुकरण है त्रासदी। इसमें वर्णित कार्य गंभीर होता है, स्वतः पूर्ण होता है, अर्थात पूर्ण होने के लिए उसे किसी अन्य तत्व पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, और उसका आयाम अर्थात क्षेत्र तथा विस्तार निश्चित रहता है। अभी हर प्रकार के काम का अनुकरण नहीं है। काम कैसा होना चाहिए? गंभीर प्रकृति का होना चाहिए, अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, उसको पूर्णता के लिए किसी अन्य तत्व पर निर्भर नहीं होना चाहिए, और उसकी एक निश्चित सीमा होनी चाहिए, निश्चित आकार होना चाहिए, निश्चित विस्तार होना चाहिए, निश्चित आयाम होना चाहिए, मतलब उसका आदि मध्य और अंत होना चाहिए। तीसरा, यह समाख्यानात्मक मतलब वर्णनात्मक रूप में नहीं, बल्कि कार्य व्यापार के रूप में प्रस्तुत की जाती है। मतलब त्रासदी में कोई आकर हमको कहानी नहीं सुनाता, कोई व्याख्या नहीं करता, बल्कि जो पात्र आते हैं, अलग अलग कैरेक्टर जो आते हैं, अलग अलग पात्र आते हैं, वो अभिनय करते हैं। उस अभिनय के माध्यम से ही हम उस नाटक या त्रासदी को समझते हैं। वहां पर कोई आकर व्याख्या नहीं करता, वहां काव्य की तरह। चौथा, कार्य व्यापार। कार्य व्यापार मतलब डे टू डे वर्क, हम जो काम करते हैं दिन प्रतिदिन। कार्य व्यापार की प्रधानता होते हुए भी इसका माध्यम भाषा होती है, और वह भाषा नाटक के लिए उपयुक्त अलंकारों से युक्त होती है ना। मतलब त्रासदी किसके माध्यम से कार्य व्यापार को प्रधानता जरूर दिया जाता है, लेकिन इसको अभिव्यक्त कैसे किया जाता है? भाषा के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। और वो भाषा कैसी होती है? अलंकृत भाषा होती है, अलंकारों से युक्त भाषा होती है, ऐसी भाषा त्रासदी के लिए उपयुक्त होती है। और पांचवा क्या है?
इसमें करुणा और त्रास का उद्रेक होता है। मतलब करुणा और त्रास या दुख या पीड़ा की जो भावना होती है, भय की भावना होती है, इसको इसमें प्रचुरता से परिलक्षित किया जाता है, अभिनय किया जाता है। और इस अभिनय के द्वारा क्या होता है, इस उद्रेक के द्वारा इन मनोविकारों का उचित विरेचन किया जाता है। मतलब पात्रों के माध्यम से हमारी करुणा और त्रास और पीड़ा को वहां पर अभिनीत किया जाता है, और उस जो पात्र है या जो नायक है उसके मन में जो पीड़ा है, जो दुख है, जो त्रास है, उसको दर्शक उसको क्या करते हैं, उसको महसूस करते हैं, उनका पात्र के साथ साधारणीकरण हो जाता है, वो तादात में स्थापित कर लेते हैं और उसका विरेचन हो जाता है, वो दूर हो जाते हैं। अरस्तु ने त्रासदी के 6 तत्व माने हैं, है ना। देर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ त्रासदी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। अरस्तु के हिसाब से त्रासदी के 6 तत्व होते हैं, 6 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कथानक या प्लॉट, जैसे फिल्मों का प्लॉट होता है, मतलब कहानी और जो अलग अलग घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं उसे कहते हैं प्लॉट। उसके बाद है चरित्र या कैरेक्टर, जो अलग अलग पात्र आते हैं वो उसको निभाते हैं अपना अपना अपनी अपनी भूमिका, तो चरित्र या कैरेक्टर। थर्ड विचार या थॉट, मतलब जिन विचारों को त्रासदी में अभिव्यक्ति प्रदान की जाती है। पद विन्यास मतलब डिक्शन, रस छंद अलंकारों का प्रयोग और शब्दों का उचित प्रयोग, है ना। शब्दों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, इनको जमाया जाता है कि वो उदात्त रूप में हमारे सामने अभिव्यक्त होता है। दृश्य विधान स्पेक्टेकल, दृश्य विधान मतलब जो अलग अलग दृश्य होते हैं, नाटक के अलग अलग दृश्य होते हैं, अलग अलग हिस्सों में जो नाटक बटा रहता है, और गीत या सॉन्ग। इन सभी तत्वों का उन्होंने कमोबेश विस्तार से विवेचन किया है और इन सभी का संबंध अनुकरण से है। तो अपने त्रासदी विवेचन के दौरान उन्होंने इन्हीं 6 तत्वों को विवेचन किया है, इनकी व्याख्या की है, और इन सब का संबंध अनुकरण से। किसका अनुकरण? कार्य व्यापार का अनुकरण, एक ऐसे कार्य का अनुकरण जो गंभीर प्रकृति का है, जो अपने में पूर्ण है, ऐसे कार्य का अनुकरण, और जिसकी भाषा, जिसको अलंकृत भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। अब हम देखते हैं कि कथानक, अब जो त्रासदी के जो 6 प्रमुख तत्व हैं उनका हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। पहला है कथानक। कथानक मतलब होता है प्लॉट। कथानक का अर्थ है त्रासदी की विषय वस्तु या घटना विन्यास। जैसे फिल्मों में हम देखते हैं बहुत सारी घटनाएं एक साथ जुड़ी होती है, कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई उपन्यास पढ़ते हैं, तो बहुत सारे कथानक उसमें बहुत सारी घटनाएं होती हैं, वैसे ही कथानक का मतलब है त्रासदी की विषय वस्तु या उसका कंटेंट या घटना विन्यास, किस प्रकार से घटनाएं घटित होती हैं और किस प्रकार से वे घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इनको बताते हैं हम कथानक के माध्यम से। अरस्तु ने त्रासदी में सबसे अधिक महत्व इसी तत्व को दिया और इसी पर सबसे अधिक विस्तार से भी विचार किया। अरस्तु ने त्रासदी विवेचन के अंतर्गत कथानक को सबसे ज्यादा महत्व दिया है, और इसके कथानक के अंदर भी जो बहुत सारे तत्व हैं उसका उन्होंने उसकी उन्होंने व्याख्या की है। त्रासदी कार्य की अनुकृति है, काम का नकल है, और कथानक उसी कार्य व्यापार को प्रस्तुत करता है। त्रासदी अपने अपने कार्य की नकल है या अनुकृति है, अनुकरण है, और कथानक है जो प्लाट है उसी कार्य व्यापार को, डे टू डे वर्क है, जो हमारे एक्शंस है उन्हीं को प्रस्तुत करता है। यह व्यक्ति चरित्र का नहीं घटना युक्त जीवन के कार्य व्यापार का सुख दुखमय प्रसंगों का अंकन है। मतलब त्रासदी में किसी व्यक्ति के चरित्र को व्याख्यायित या अभिनीत नहीं किया जाता, किसी व्यक्ति के चरित्र को प्रधानता नहीं दी जाती, बल्कि उस व्यक्ति के जीवन में जो आने वाले विभिन्न प्रसंग हैं, जो दुख और सुख हैं, उनको अभिनीत किया जाता है। त्रासदी का प्रभाव कार्य व्यापार पर भी निर्भर करता है। मतलब यहाँ पर कार्य व्यापार है, जो एक्शन है, जो काम है, जो हमारे दिन प्रतिदिन के जो काम है, उस पर ही त्रासदी का प्रभाव निर्भर करता है। इसके अन्य सब तत्व भी कार्य व्यापार के ही साधक हैं। मतलब इसके जो अन्य तत्व भी हैं वे भी कार्य व्यापार को ही समर्थन प्रदान करते हैं, सपोर्ट प्रदान करते हैं। चरित्र कार्य व्यापार के माध्यम के रूप में ही आते हैं। चरित्रों के बिना त्रासदी की योजना हो सकती है, कार्य व्यापार के बिना नहीं। मतलब अब इन जो कार्य व्यापार है, जो काम काज है, जो एक्शंस है, उसको कैसे परिलक्षित किया जाता है? पात्रों के द्वारा। पात्र वहां पर आते हैं, विभिन्न प्रकार के चरित्र वहां पर आते हैं त्रासदी में, और वे इनको अभिनीत करते हैं, इन कामों को। तो इनका मानना यह है कि त्रासदी के चरित्रों के बिना त्रासदी की योजना हो सकती है, त्रासदी का निर्माण बिना कैरेक्टर के, बिना पात्रों के हो सकती है, लेकिन कार्य व्यापार के बिना नहीं हो सकती। मतलब क्योंकि यह कार्य व्यापार का अनुकरण करता है।
लेकिन यहां पर अरस्तु का तात्पर्य सभी प्रकार के चरित्रों से नहीं है। कई चरित्र हम देखते हैं नाटक में या फिर किसी फिल्मों में जिनका कोई महत्व नहीं होता है, मतलब ऐसे पात्र जिनका कोई महत्व नहीं होता, ऐसे चरित्रों के बारे में वो यहाँ पर बता रहे हैं। सभी प्रकार के चरित्रों के बारे में वो नहीं कर रहे। आपने देखा होगा कई फिल्में जब आप देखते हैं तो कई बार लगता है कि यदि इसको नहीं भी रखा होता तब भी यह फिल्म सफल हो जाती, या फिल्म को कोई फर्क नहीं पड़ता, नाटक को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे चरित्र जिनकी उपेक्षा की जा सकती है, जिनका कोई महत्व नहीं है। अरस्तु की मूल दृष्टि वस्तुपरक ऑब्जेक्टिव थी, इसलिए वस्तु जगत तथा इसमें घटने वाली घटनाओं के प्रति उनका झुकाव स्वाभाविक ही था। मतलब अरस्तु का ध्यान वास्तव में हमारे जो फिनोमेनल वर्ल्ड है, जो हमारी सांसारिक दुनिया है, उसमें जो घट रही घटनाएं हैं उन पर उनका ज्यादा ध्यान था। लोगों के ऊपर उनका झुकाव नहीं था, बल्कि जो हमारे सामाजिक जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, लोग जो काम कर रहे हैं, उन पर उनका ज्यादा रुझान था। इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि जिन त्रासदियों को सामने रखकर अरस्तु ने अपना काव्य शास्त्र रचा था, यह भी कार्य व्यापार प्रधान ही थी। तो हो सकता है कि अरस्तु के समय में यूनान में जो त्रासदी की विधा प्रचलित थी, उसमें मुख्य रूप से पुराने जो राइटर्स होंगे, पुराने जो लेखक होंगे, जो विद्वान होंगे, उन्होंने केवल लोगों के कार्य व्यापार, उनके काम, डे टू डे लाइफ के जो एक्शंस हैं, उसे ही महत्व प्रदान किया होगा। और हो सकता है कि अरस्तु ने उसी को देखकर ही अपने काव्य शास्त्र का निर्माण किया होगा, अन पोएटिक्स का। तो इसीलिए उन्होंने कार्य व्यापार को अधिक महत्व दिया, कथानक को अधिक महत्व दिया। इसलिए उनके त्रासदी विवेचन में भी कार्य व्यापार को प्रस्तुत करने वाले तत्व कथानक पर सबसे अधिक बल रहा। मतलब उन्होंने चरित्र चित्रण पर अधिक बल देने के बजाय जो कथानक या प्लॉट है उस पर अधिक बल दिया। अब कथानक के स्रोत, प्लॉट कहाँ से लिया जाए? कोई त्रासदी को लिखने के लिए, कोई त्रासदी का निर्माण करने के लिए जो प्लॉट है या कथानक कहाँ से लिया जाना चाहिए, अरस्तु यह बताते हैं। अरस्तु के अनुसार अनुकरण के संदर्भ में उल्लेख हो चुका है कि अरस्तु ने कथानक के तीन स्रोत माने हैं। मतलब प्लॉट के लिए, कथानक के लिए तीन प्रकार के स्रोत हो सकते हैं, दंत कथा, कल्पना और इतिहास। दंत कथा क्या होते हैं? जो हमारे समाज में प्रचलित की वो दंतियां हैं, जो मिथक हैं, जो मीथ है ना, हमको पता नहीं कि वो सत्य है भी कि नहीं है। जो दंत कथाएं, कहानियां हैं, लोक प्रचलित कहानियां हैं महापुरुषों के बारे में या लोगों के बारे में, ईश्वर के बारे में, यह है दंत कथा। और कल्पना और इतिहास, ये तीनों कथानक के स्रोत हो सकते हैं। इनमें से वे कल्पना और इतिहास को हालांकि उपेक्षणीय नहीं मानते, इनमें से वे कल्पना और इतिहास की उपेक्षा तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, किंतु दंत कथा या प्रचलित लोक कथा को वे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसके बावजूद भी वे दंत कथा जो है उसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, या लोक प्रचलित कथा को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि उसमें एक ओर तो इतिहास का सत्य होता है और दूसरी ओर कल्पना की सृजनशीलता। मतलब जो हमारी दंत कथाएं हैं, लोक प्रचलित कथाएं हैं, उसमें कल्पना और इतिहास दोनों का अंश होता है, इसीलिए वो इसे महत्व प्रदान करते हैं। इसलिए इसका क्षेत्र अधिक व्यापक होता है और इसका प्रभाव भी अधिक सघन होता है। कल्पना प्रसूत कथानक तभी ग्रहणीय होता है जब वह संभाव्य भी हो। मतलब कई कथानक ऐसे होते हैं जो कल्पना प्रसूत होते हैं, काल्पनिक होते हैं जो कथानक है, लेकिन तब भी उसे त्रासदी का विषय तभी बनाया जा सकता है जब वो संभाव्य भी हो, कि ऐसा भी हो सकता है, इसके होने की संभावना है। ऐतिहासिक कथानक वस्तु सत्य के निकट होता है, किंतु अरस्तु वस्तु जगत के सत्य की अपेक्षा काव्य के सत्य को अधिक महत्व देते थे, और त्रासदी की ऐतिहासिक कथा वस्तु को तब बेहतर मानते थे जब वह मात्र तथ्य के स्थान पर जीवन के आंतरिक सत्य का भी उद्घाटन करे। वस्तु सत्य मतलब क्या? जो इतिहास है वो तो सत्य है, जो घटित हो चुकी घटनाएं हैं, जो वास्तविक घटनाएं हैं, वो तो इतिहास हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी जो काव्य का सत्य है, काव्य का सत्य क्या है? जो दंत कथाओं पर आधारित है, जिसमें कल्पना और इतिहास दोनों शामिल है, ऐसे सत्य को वो अधिक महत्व देते थे। ऐतिहासिक सत्य को वो तभी अधिक महत्व देते थे और कथा वस्तु के लिए बेहतर समझते थे जब वो जीवन के आंतरिक सत्य का उद्घाटन करे। मतलब जिंदगी का जो सच है, जो कड़वा सच है, या जिंदगी के जो सच है, वास्तविकता है, उसको यदि ऐतिहासिक कथा वस्तु, ऐतिहासिक जो कथा कहानियां उनको यदि हम लेते हैं त्रासदी के सब्जेक्ट के रूप में, तो उनको आंतरिक सत्य का उद्घाटन करना चाहिए। अभी हम कथानक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, पहला भाग। तो कथानक के हमने स्रोत देख लिए, तीन स्रोत। अब हम देखते हैं कथानक के प्रकार, कथानक के प्रकार कितने होंगे। शिल्प की दृष्टि से अरस्तु ने कथानक के दो प्रकार माने हैं, सरल और जटिल। अभी हम सिर्फ पहला जो तत्व है कथानक का अध्ययन कर रहे हैं।
कथानक कितने प्रकार के होते हैं अरस्तु के हिसाब से? सरल कथानक। सरल कथानक क्या होता है? सरल कथानक एक सूत्री होता है और उसमें कथा, महान त्रुटि, स्थिति विपर्यय तथा अभिज्ञान जैसी किसी बड़ी उथल पुथल के बिना ही अपनी परिणति तक पहुंचता है। महान त्रुटि मतलब जो पात्र है उससे कोई त्रुटि हो जाती है, कोई भूल हो जाती है ना, कोई बहुत बड़ी गलती हो जाती है जिसको बाद में उसको सजा भुगतना पड़ता है। स्थिति विपर्यय मतलब होता है परिस्थितियां बदल जाती है, मतलब जो हम सोचे नहीं रहते वैसी परिस्थितियां जीवन में आ जाती है। और अभिज्ञान मतलब जिन चीजों का ज्ञान नहीं था पहले उनका अचानक ज्ञान हो जाता है। आगे मैं इसको आगे और समझाऊंगा आपको, भली भांति अलग अलग हम इसका अध्ययन करें। मतलब जो सरल कथानक क्या होता है, जिसमें ये सारी चीजें नहीं होती, महान त्रुटि नहीं होती, स्थिति विपर्यय नहीं होता, अभिज्ञान नहीं होता, अपने आप वह अंत तक पहुंच जाता है, परिणति तक पहुंच जाता है, समाप्त हो जाता है, समापन तक पहुंच जाता है। और जटिल कथानक में क्या होता है? जटिल कथानक में मुख्य कथा के साथ प्रासंगिक कथाएं भी चलती हैं। जटिल कथानक में एक मुख्य कथा होती है और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारी कथाएं होती हैं, और घटनाक्रम में अनेक आकस्मिक अप्रत्याशित स्थितियां तथा मोड़ आते हैं। जटिल कथानक में क्या होता है? बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, ऐसे अप्रत्याशित मोड़ आते हैं जिनकी हम कल्पना नहीं करते, कल्पना नहीं कर सकते जो दर्शक हैं। ऐसे कथानक में स्थिति विपर्यय, स्थिति विपर्यय मतलब जिस जैसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आएगी वैसी हम कल्पना नहीं करते, या हम अच्छा कल्पना करते हैं उसका उल्टा हो जाता है। तथा अभिज्ञान, अभिज्ञान मतलब जिसका ज्ञान हमें पहले नहीं था लेकिन बाद में जब ज्ञान होता है तो बहुत दुख होता है। तथा अभिज्ञान की योजना के माध्यम से नायक के जीवन की विडंबनाओं तथा उसके भाग्य परिवर्तन को दर्शाया जाता है, क्योंकि नायक के जीवन में ऐसी घटनाएं आ जाती हैं जिसका उसने कभी कल्पना नहीं किया है, उसके कारण उसके जीवन में जो विडंबना आती है, जो दुखद परिस्थितियां आती हैं, जो त्रासदी आती है, और उसके भाग्य में जो परिवर्तन आता है, जटिल कथानक में उसका वर्णन किया जाता है। अब नाटकीय युक्तियां, कथानक का एक हिस्सा है नाटकीय युक्तियां, मतलब ये ड्रामेटिक टेक्निक्स, किन किन टेक्निक का प्रयोग करते हैं नाटक में, त्रासदी में किन किन, जो कथानक है त्रासदी का उसमें कौन कौन सा टेक्निक्स है, नाटकीय युक्तियां उनका प्रयोग करना आवश्यक है। अरस्तु के अनुसार त्रासदी में महान त्रुटि, कोई बहुत बड़ी त्रुटि, बहुत बड़ी भूल नायक के द्वारा या किसी अन्य पात्र के द्वारा, स्थिति विपर्यय, स्थिति बिल्कुल उलट जाना, मतलब जैसे जीवन बहुत सुखी है और अचानक से जीवन में बहुत दुख आ जाना, या सुख की उम्मीद करते हुए दुख आ जाना। तथा अभिज्ञान मतलब जिस चीज का पहले ज्ञान नहीं था बाद में उसका ज्ञान हो जाना, इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए इन नाटकीय युक्तियों से संबद्ध अवधारणाओं को समझना बहुत जरूरी है। अब इन नाटकीय युक्तियों का हम अलग अलग अध्ययन करेंगे, यह सभी कथानक के अंतर्गत है। महान त्रुटि किसको बोलते हैं? हमर्शिया, हमर्शिया यूनानी शब्द है, इसको बोलते हैं महान त्रुटि, बहुत बड़ी गलती। त्रासदी का नायक अति मानव नहीं, मानव होता है, सुपर ह्यूमन नहीं होता, सुपरमैन नहीं होता, साधारण मानव होता है त्रासदी का नायक, अतः उसमें मानवोचित गुण दोष भी होते हैं। त्रासदी का जो नायक है हमारी तरह साधारण मानव होता है और उसमें भी बहुत सारे गुण दोष होते हैं। त्रासदी में उसके चरित्र में कोई ऐसी त्रुटि दिखाई जाती है जिसके कारण उसके जीवन में स्थिति विपर्यय घटित होता है, यह कोई नैतिक दोष नहीं होता क्योंकि तब उसे दर्शकों की सहानुभूति नहीं मिलेगी और उसका त्रास दर्शकों में त्रास जगाने में सफल नहीं होगा। महान त्रुटि क्या है? जो करेक्टर है या जो नायक है वो कोई बहुत बड़ी गलती कर देता है, जानबूझकर नहीं करता, धोखे से उससे कोई गलती हो जाती है और गलती इतनी बड़ी होती है कि उसको उसकी बहुत बड़ी सजा मिलती है, उसकी स्थिति उल्टा हो जाती है पूरा, मतलब जीवन में त्रासदी उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि यदि वह जानबूझकर गलती करेगा तो हमारे उसके साथ कोई सहानुभूति नहीं होगी और दर्शक के मन में कोई त्रास उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए वह जानबूझकर गलती नहीं करता, धोखे से उससे गलती होती है लेकिन उस गलती की बहुत बड़ी सजा मिलती है। इसलिए जब उसको हम दुखित अवस्था में देखते हैं जो दर्शक, तो उनके मन में भी दुख और त्रास और करुणा का भाव उत्पन्न होता है। दुष्ट पात्रों की दुर्दशा प्रेक्षकों में आनंद और संतोष तो जगाती है लेकिन जो पात्र दुष्ट नहीं होते उनकी दुर्दशा से प्रेक्षकों के मन में करुणा उपजती है। मतलब जो दुष्ट पात्र हैं जैसे रावण जैसे पात्र हैं, अब उसकी हत्या होती है ना, उसका संहार होता है भगवान राम के द्वारा, तब हमारे मन में कोई करुणा जागृत नहीं होती, हमें संतोष होता है, खुशी मिलती है, जैसे कंस का वध होता है तो हमको खुशी मिलती है नाटक देखते समय। लेकिन जो पात्र बहुत अच्छे हैं जैसे भगवान राम का वन गमन है ना, भगवान राम है और वो उनका राज्याभिषेक होने वाला है और उनको अचानक ही जंगल में जाने का आदेश हो जाता है, वनवास का आदेश हो जाता है, तो यह हमारे मन में क्या है, करुणा उत्पन्न होती है इससे। यह दुर्दशा उनकी किसी त्रुटि या चारित्रिक भूल या कमजोरी के कारण नहीं होती,
जो अपने दुखद परिणाम के कारण महान त्रुटि कराती है। मतलब वास्तव में उनकी कोई गलती नहीं है ना, उनकी उनकी किसी त्रुटि या चारित्रिक भूल या कमजोरी के कारण नहीं होती, यह अचानक हो जाती है धोखे से, और इसका जो दुखद परिणाम होता है इसको बोलते हैं महान त्रुटि। मतलब कई बार जो नायक होता है उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो जाती है अनजाने में, और उसके कारण उसको दुख भोगना पड़ता है, इसीलिए दुखद परिणाम के कारण इसे कहा जाता है महान त्रुटि। नाटकीय युक्तियां हैं ये। उदाहरण के लिए हम शेक्सपियर के नाटक ओथेलो में नायक ओथेलो का सहज विश्वासी तथा कान का कच्चा होना है उसकी त्रासदी के लिए जिम्मेदार होता है। शेक्सपियर का एक नाटक है ट्रेजिक नाटक ओथेलो, तो उसका जो नायक है ओथेलो यह क्या होता है, सहज विश्वासी, बहुत ही आसानी से दूसरों के ऊपर विश्वास कर लेता है, और कान का कच्चा होता है। कान का कच्चा होना मतलब कोई आपको कुछ बोल दिया और आपने उस पर भरोसा कर लिया, कोई किसी की बुराई कर रहा है कि वह आपके बारे में ऐसा कह रहा था, और आप उसका विश्वास कर लेते हैं कि हो सकता है कि यह व्यक्ति ऐसा बोल रहा हो, तो यह होता है कान का कच्चा, और यही उसकी त्रासदी के लिए जिम्मेदार होता है। इस त्रुटि के कारण वह खल पात्र इयागो, इयागो नाम का इसमें जो विलेन है, जो खल पात्र है, की बातों में आकर अपनी पतिव्रता पत्नी के चरित्र पर संदेह करने लगता है। ओथेलो आकर क्या बोलता है, ओथेलो को क्या बोलता है इयागो, कि तुम्हारी पत्नी चरित्रहीन है, तो वह अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करने लगता है, संदेह करने लगता है, यहां तक कि इसी संदेह के कारण अंत में वह पत्नी की हत्या कर देता है। अंत में क्या है, वह इस संदेह के आधार पर ही अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। तो कान का कच्चा होना उसका नैतिक दोष नहीं है, उसके चरित्र की एक कमजोरी पर है। दूसरों की बात पर सहज विश्वास कर लेना वह उसकी चारित्रिक दुर्बलता नहीं है, सॉरी नैतिक दोष नहीं है, नैतिक रूप से उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन वह चरित्र की एक कमजोरी है, चरित्र की दुर्बलता है। किंतु इसी त्रुटि के कारण उसका जीवन नष्ट हो जाता है, और उसका त्रास दर्शकों में भी सहानुभूति जगाता है। मतलब वो नैतिक रूप से कोई बुरा आदमी नहीं है, वह अच्छा आदमी है, लेकिन एक कमजोरी है उसके चरित्र में कि वह दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेता है, और इस तरह वो अपनी पत्नी की हत्या कर देता है, और इस तरह उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, और इसी कारण दर्शकों में भी त्रास के कारण सहानुभूति जगा पाने में सफल होता है। अभिज्ञान किसे कहते हैं, यह भी टेक्निक है, युक्ति है ना, नाटक की एक युक्ति है, त्रासदी की कथानक की एक युक्ति है। अभिज्ञान या अनागनोरिसिस या ग्रीक शब्द है, इस शब्द का अर्थ है कि किसी अज्ञात तथ्य का सहसा ज्ञान होना, मतलब जिस तथ्य का हमको पहले ज्ञान नहीं था बाद में हमको उसका ज्ञान हो जाता है। त्रासदी में अज्ञात अपने साथ अनेक नाटकीय संभावनाएं भी लेकर आता है। उदाहरण के लिए सोफोक्लीज नाटक ईडिपस रेक्स में नायक ईडिपस एक भविष्यवाणी के कारण बचपन में ही माता पिता से अलग कर दिया जाता है। तो इसका एक उदाहरण देखते हैं कि जिस बात का हमको ज्ञान नहीं था बाद में जब उसका ज्ञान होता है तो कितनी पीड़ा और कितना दुख लेकर आता है वो। सोफोक्लीज नाम के एक राइटर हैं, उनकी एक किताब है ईडिपस रेक्स, इसका जो नायक है ईडिपस, बचपन में कोई भविष्यवाणी होती है और उसको माता पिता से अलग कर दिया जाता है ना, अलग ही जगह चला जाता है परवरिश के लिए। तो बाद में क्या होता है, वर्षों बाद घटना चक्र इस प्रकार चलता रहता है। जैसे आपने देखा होगा भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण के संबंध में एक भविष्यवाणी की जाती है कि जब वो जन्म लेंगे तो वो कंस का संहार करेंगे, है ना, जो आकाशवाणी होती है वैसे ही इसमें भी होता है, कोई भविष्यवाणी करता है। तो वर्षों बाद घटना चक्र इस प्रकार चलता है कि वह बिना इस तथ्य को जाने ही कि जिस व्यक्ति की वह हत्या कर रहा है वह उसका पिता है, अपने पिता की हत्या करके अपनी माता से विवाह कर लेता है। यह वह महान त्रुटि है जो उसके जीवन में त्रासदी के बीज बोती है। ना माता पिता उसे पहचानते थे, न वह माता पिता को, वर्षों तक उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता, और इस विवाह से उन्हें संतान भी होती है। कई वर्ष बाद उसे वस्तु स्थिति का अभिज्ञान होता है और वह घोर आत्मग्लानि और मनस्ताप में डूब जाता है। यहीं से उसका भाग्य विपर्यय आरंभ होता है और उसके जीवन की त्रासदी दर्शकों में करुणा जगाती है। इस प्रकार अभिज्ञान के कारण स्थिति विपर्यय भी घटित हो सकता है। तो सोफोक्लीज के नाटक में ईडिपस रेक्स में जो ईडिपस नाम का जो करेक्टर है, जो नायक है, बचपन में भविष्यवाणी के कारण उसको माता पिता से अलग कर दिया जाता है। वर्षों के उपरांत वह अपनी माँ से मिलता है लेकिन उसे पहचानता नहीं, अपने पिता को भी नहीं पहचानता, और अपने पिता की हत्या कर देता है और अपनी माता से विवाह कर लेता है, और उस विवाह से उसके बच्चे भी उत्पन्न होते हैं। लेकिन बाद में जब उसे पता चलता है कि उसने अपनी माँ से ही शादी कर ली और उसने अपने पिता से ही की हत्या कर दी है, तो वह क्या करता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है और आत्मग्लानि के कारण वह क्या है, आत्महत्या कर लेता है। तो इस प्रकार अभिज्ञान मतलब जिस बात का उसे ज्ञान नहीं था, जब तक उसको ज्ञान नहीं था उसकी जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी,
लेकिन जब उसको ज्ञान होता है कि उसने क्या कर दिया, भले ही उसने भूलवश किया है, लेकिन उसके मन में आत्मग्लानि जन्म होती है। इसके कारण अभिज्ञान के कारण स्थिति विपर्य है। अभिज्ञान मतलब जिस तथ्य को नहीं जानता था उसका उसे ज्ञान हो जाता है और उसकी जिंदगी पूरी उलट पलट हो जाती है और वह आत्महत्या कर लेता है। तो इस प्रकार अभिज्ञान के कारण स्थिति विपर्य है, स्थिति में बदलाव आ जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इसे बोलते हैं स्थिति विपर्य। अब स्थिति विपर्य पेरिपेसिया, विपर्यय का अर्थ है उलट फेर, और स्थिति विपर्यय का अर्थ है नाटक की स्थिति में अप्रत्याशित रूप से ऐसा परिवर्तन जिसे कार्य व्यापार एक दिशा में अग्रसर होते होते अचानक विपरीत दिशा में मुड़ जाए। मतलब स्थिति विपर्यय उसको बोलते हैं जैसे भगवान राम के राज तिलक की तैयारी हो रही थी, भगवान राम राजा बनने वाले थे, है ना, अयोध्या के, लेकिन अचानक उनको क्या आदेश हो जाता है कि आपको जंगल जाना है 14 साल वनवास के लिए। तो इसे ही बोलते हैं स्थिति विपर्यय। यह परिवर्तन अप्रत्याशित तो है मगर असंभाव्य नहीं। मतलब भले ही अप्रत्याशित परिवर्तन आता है लेकिन संभावना इसकी है। यह पात्रों को ऐसी स्थिति में ले आता है जहां उनके भाग्य और भविष्य के प्रति पाठकों दर्शकों की उत्कंठा बढ़ने लगती है। भारतीय प्रसंग में आप भगवान राम वन गमन में इस स्थिति को देख सकते हैं, जहां राज्याभिषेक जैसे परम सौभाग्य की स्थिति में आते आते उन्हें सब कुछ त्याग कर वन का मार्ग लेना पड़ता है। तो क्या है, दर्शकों की जिज्ञासा बढ़ जाती है, उत्कंठा बढ़ जाती है। अरे ये क्या हो गया, अभी तो भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था, अचानक उनको 14 साल के लिए वनवास के लिए जाना पड़ रहा है। तो इससे उनकी उत्कंठा, उनकी जो जिज्ञासा है बढ़ जाती है। इस प्रकार स्थिति विपर्यय और अभिज्ञान में आकस्मिकता का आधार रहता है। आकस्मिकता मतलब आकस्मिक रूप से कुछ घटनाएं हो जानी। ये युक्तियां त्रासदी के कथानक को गंभीर, रोचक तथा महत्वपूर्ण मोड़ देती हैं। किंतु अरस्तु सावधान करते हैं कि इनकी योजना कथाना के सहज तथा अभिन्न अंग के रूप में ही होना चाहिए। मतलब स्थिति विपर्यय और अभिज्ञान को त्रासदी में इस तरह से जोड़ा जाना चाहिए कि ऐसा ना लगे कि उसे जबरदस्ती आरोपित कर दिया गया है, कि इसको जबरदस्ती यहाँ पर डाल दिया गया है और यह इससे मैच नहीं करता। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कथाना काया, अभी हम त्रासदी का जो पहला तत्व है कथानक, उसके ही अलग अलग तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं। कथानक का आयाम, आयाम मतलब होता है विस्तार, उसकी सीमा। तो जो कथानक का जो प्लाट है उसकी सीमा क्या होनी चाहिए। अरस्तु मानते हैं कि दर्शक पर त्रासदी के समुचित प्रभाव के लिए उसका एक सुनिश्चित आयाम होना जरूरी है। मतलब त्रासदी के लिए, त्रासदी का दर्शकों पर अच्छा प्रभाव कब पड़ेगा, समुचित प्रभाव कब पड़ेगा, जो उसकी एक सीमा होगी, जो उसकी एक निश्चित सीमा होगी। यदि यह आयाम बहुत विस्तृत हुआ तो दर्शक उसे समुचित रूप से आत्मसात नहीं कर पाएगा, और यदि यह सूक्ष्म हुआ तो दर्शक कथानक को ठीक से समझ नहीं पाएगा। इसलिए उसका आकार इतना होना चाहिए जिसे दृष्टि एक साथ समग्र रूप में ग्रहण कर सके और उसे स्मरण रखना आसान हो। मतलब त्रासदी इतना लंबा ही ना हो, और इतना इतना लंबा भी नहीं होना चाहिए कि दर्शक उसे समझ ना पाए, अनावश्यक रूप से बोर हो जाए कि बहुत ज्यादा लंबी त्रासदी है। जैसे कई फिल्में होती हैं, बहुत लंबी फिल्में होती हैं जो दर्शकों को बोर कर देती हैं, और इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि दर्शक कथानक को समझ ही ना पाए। मतलब आनुपातिक होना चाहिए, ना तो बहुत लंबा या बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत छोटा या संक्षिप्त होना चाहिए। हाँ, इतना जरूर होना चाहिए कि जब दर्शक त्रासदी को देखकर निकले तो उनके मन में उसका प्रभाव बना रहे और सभी जो कथानक के जो हर पहलू है उसको वह समझ सके। उसमें इतना अवकाश होना चाहिए कि उसमें घटनाओं का चक्र एक बार पूरी तरह घूम सके और पात्रों के जीवन की दुर्भाग्य और सौभाग्य में परिणति दिखाई जा सके। बाकी इतना बड़ा अवश्य होना चाहिए कि उसमें आने वाले जो पात्र हैं, उनके जीवन में जो आने वाले दुर्भाग्य या सौभाग्य हैं, उनका अंत, उनका परिणाम, उनकी परिणति उन्हें दिखाई जा सके। मगर उसमें इतना विस्तार ना आ जाए कि घटनाओं की अनुविति, अनुविति मतलब होता है परस्पर संबद्धता, जो घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं उसे कहते हैं अनुविति, परस्पर संबद्धता में बाधा ना पड़े, बाधा पड़े और त्रासदी के समग्र समन्वित प्रभाव की हानि हो। मतलब उसको इतना लंबा ना होना चाहिए, इतना लंबा भी नहीं होना चाहिए त्रासदी को, कि जो विभिन्न घटनाएं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं उसमें बाधा पड़े, और जो त्रासदी का जो समन्वित प्रभाव है, जो समग्र प्रभाव है हमारे मन में, उस पर बाधा नहीं पड़नी चाहिए। मतलब ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए, ना बहुत छोटा होना चाहिए। अब कथानक की संरचना, स्ट्रक्चर, पहले तत्व तो का अध्ययन कर रहे हैं। कथानक की संरचना, कथानक जो प्लॉट का जो स्ट्रक्चर है, उसके अनिवार्य गुण क्या क्या होने चाहिए। एक आदर्श कथानक में कुछ गुण अनिवार्य रूप से होने चाहिए, ये गुण है। जो आदर्श कथानक है, जो स्टैंडर्ड प्लॉट है, उसमें क्या क्या गुण अनिवार्य रूप से होने चाहिए। पहला गुण है अनुविति। अनुविति मतलब परस्पर संबद्धता, एक दूसरे से जुड़ा होना। कथानक के आयाम, आयाम मतलब होता है सीमा या विस्तार।
कथानक के आयाम के संदर्भ में अन्विति परस्पर संबद्धता की भी चर्चा हुई है, ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। अन्विति का अर्थ है कि कथानक के विभिन्न अंग परस्पर सुसंबद्ध हों और एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। मतलब कथानक के जितनी भी उसमें जो शामिल घटनाएं हैं, पात्रों के जीवन में आने वाली जो घटनाएं हैं, वे आपस में जुड़ी हुई होना चाहिए और एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होनी चाहिए। सबकी दिशा एक होनी चाहिए। जीवन में भी श्रृंखलता और असंतुलन हो सकते हैं, मगर नाटक को सुसंगत और सुसंबद्ध होना चाहिए। हो सकता है कि हमारी जिंदगी में एट रैंडम या अदृच्छिक तरीके से कई प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं जो आपस में जुड़ी हुई नहीं है, उसमें असंतुलन भी हो सकता है, लेकिन त्रासदी के लिए इन सभी घटनाओं का सुसंगत और सुसंबद्ध एक दूसरे से क्रमबद्ध ढंग से जुड़ा हुआ होना आवश्यक होता है। एक अविभाजित इकाई होने के लिए उसे कई स्तर पर अनविति के नियमों का पालन करना चाहिए, उसे सुसंबद्धता के नियमों का पालन करना चाहिए। उसका कार्य व्यापार बहुत दूर दूर के स्थानों तक ना फैला हो और सारा कार्य सूर्य की एक परिक्रमा एक दिन या इससे अधिक कुछ समय तक सीमित रखने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। मतलब ऐसा कहा जाता है कि त्रासदी जो है महाकाव्य का एक छोटा सा हिस्सा होता है। महाकाव्य में जो बहुत सारी घटनाएं होती हैं उसमें से हमने एक दिन की घटना को उठा लिया और उस एक दिन की घटना को उठाकर हमने उस पर त्रासदी लिख दिया, तो ऐसा होना चाहिए। तो इस प्रकार बहुत लंबा समय या बहुत सारे स्थानों तक विस्तृत नहीं होना चाहिए। इसका जो प्लाट है दूर दूर के स्थानों तक विस्तृत नहीं होना चाहिए। बहुत लंबे समय की घटनाओं का वर्णन नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार स्थान और समय की अनुमिति को आगे चलकर काफी चर्चा हुई, किंतु अरस्तु ने इनकी विशेष चर्चा नहीं की। अरस्तु ने ज्यादा डिटेल में इस पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए हैं। उनका पूरा बल कार्य और प्रभाव की अनुमिति पर था, जिसका उल्लेख इस अनुच्छेद के प्रारंभ में है। उन्होंने मतलब कार्य व्यापार और कार्य व्यापार के आधार पर जो त्रासदी रचा गया उसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर उन्होंने ज्यादा विस्तार से विचार किया। कथानक का दूसरा क्या है महत्वपूर्ण तत्व, पूर्णता होना चाहिए। कथानक पूर्ण होना चाहिए, अपने में कंप्लीट होना चाहिए, अर्थात उसमें आदि मध्य और अंत सुसंबद्ध तरीके से नियोजित होना चाहिए। मतलब प्लाट ऐसा होना चाहिए कि उसमें शुरू में होना चाहिए इंट्रोडक्शन आदि, उसके बाद मध्य होना चाहिए और होना चाहिए अंत मतलब समापन। कथानक का आदि ऐसा होना चाहिए जो कथा का परिचय देते हुए उसके भावी विकास के लिए उत्सुकता जगाए। मतलब जो इंट्रोडक्शन होता है, जो शुरुआत है, ऐसा होना चाहिए कि लोगों में जिज्ञासा उत्पन्न करे ताकि वह अंतिम तक उसको देख सकें। जैसे आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, शुरू में मैंने आपको बताया हुआ इंट्रोडक्शन कि मैं ये बातें आपको बताऊंगा, तो हो सकता है कि आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो कि चलो देख लेते हैं। तो वह आप अगर आपको वह इंटरेस्टिंग लगा होगा तब आप यहाँ तक देखते हुए आ रहे हैं, तो ये आपके मन में उत्सुकता जागृत हुई है। वैसे ही त्रासदी में होना चाहिए। मध्य मतलब अब तक घटी घटनाओं का परिणाम दिखलाए। जैसे घटनाएं हो रही हैं शुरुआत में, उन घटनाओं का प्रभाव क्या होता है, मध्य पर पड़ता है। तो मध्य क्या बताता है, अब तक जो घटनाएं घटित हुई हैं उनका क्या परिणाम हुआ, हम यहां तक कैसे पहुंचे, और भावी घटनाओं के लिए भूमि तैयार करें। जैसे हम फिल्म देखने आते हैं, शुरुआत में हम फिल्म इंट्रोडक्शन देखते हैं कुछ देर तक, उसके बाद बीच हो जाता है इंटरवल, है ना। इंटरवल के बाद हमको पता रहता है कि आगे क्या होगा, है ना, भावी घटनाओं के लिए वह पृष्ठभूमि तैयार कर देता है। और अंतिम भाग ऐसा हो जिसमें संपूर्ण घटनाक्रम का समाहार हो जाए, आगे के लिए कोई कौतूहल बाकी न रहे। मतलब ऐसा होना चाहिए कि जब त्रासदी समाप्त हो तो उसमें आदि भी हो, मध्य हो, अंत हो, हमारे मन में कोई कौतूहल ना रहे, वो अपने आप में कंप्लीट हो, समाप्त हो जाए। जैसे कई फिल्मों का सेकंड पार्ट आता है, जैसे बाहुबली द बिगिनिंग, और उसके बाद हमारे मन में जिज्ञासा रहती है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो उसके बाद हम देखते हैं बाहुबली द कंक्लूजन। तो त्रासदी में ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बार आपने देखा कंप्लीट होना चाहिए, इसके बाद संभाव्यता। एक बात और आप लोगों को कहना चाहूंगा बीच में, अगर आप देखते हुए यहां तक आ चुके हैं तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। मेरा विनम्र प्रयास यह है कि जो हिंदी साहित्य के जो बहुत ही कठिन चैप्टर्स हैं, बाकी मैं सरल चैप्टर्स भी लेकर आऊँगा, उसको आप भली भांति समझ पाएं, परीक्षा में लिख पाएं और आप सफलता अर्जित कर पाएं। तो मेरा यह छोटा सा प्रयास है और इस पर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। मेरे पावर पॉइंट्स को, मेरे प्रेजेंटेशन को देखकर आप समझ सकते हैं कि इस पर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन आप लोग जो कमेंट करेंगे वही मेरे लिए प्रेरणा प्रोत्साहन है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तो जितने ज़्यादा लोग इस पर आएंगे मुझे उतना ही उत्साहवर्धन होगा मेरा, और मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। इसके बावजूद भी यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस पर मैं प्रयास करूँगा कि बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आपको आऊँ। और ये मेरा आज का यह प्रयास आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अब संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी, क्या होने की संभावना है।
कथानक में केवल आवश्यक तथा संभाव्य प्रसंगों का ही चित्रण होना चाहिए, मतलब केवल ऐसे प्रसंगों को ही अभिनीत किया जाना चाहिए या उनका चित्रण होना चाहिए जो संभावित हैं, जो हो सकती हैं। संभाव्यता का अर्थ है जो घटनाएं वास्तविक जीवन में चाहे न घटित हुई हों, स्थितियों को देखते हुए उनका घटना संभव अवश्य हो ताकि कथा की विश्वसनीयता बनी रहे और उसका प्रभाव बाधित ना हो। मतलब संभाव्यता का अर्थ है भले ही वो घटनाएं हमारे जीवन में अभी घटित नहीं हुई हैं, लेकिन वो घटनाएं हो सकती हैं। मतलब पात्रों के जीवन में भले ही वो घटना नहीं हुई अभी तक, लेकिन होने की संभावना है जो घटित हो सकती है। ऐसा ना लगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, और इसका प्रभाव बाधित ना हो। अति प्राकृत मतलब सुपर नेचुरल, अविश्वसनीय, जो हम विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा हो, और कपोल कल्पित, पूरी तरह से काल्पनिक और अनावश्यक प्रसंगों को भर देने से त्रासदी की गंभीरता और गरिमा खंडित होती है। मतलब त्रासदी में कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट नहीं भर देना चाहिए, अविश्वसनीय हो जिस पर हम विश्वास ही न कर सकें, जो कपोल कल्पित हो, पूरी तरह कल्पना हो। इससे क्या होता है, त्रासदी की जो गरिमा है वह खंडित हो जाती है। त्रासदी के पात्र तथा प्रसंग दोनों ही संभाव्य तथा विश्वसनीय होने चाहिए। मतलब त्रासदी में जो कैरेक्टर हैं, जो पात्र हैं, वे भी लगना चाहिए कि हमको ऐसे पात्र होते हैं हमारे आसपास, ऐसे पात्र हो सकते हैं, और प्रसंग जो घटनाएं हैं वो दोनों ही संभाव्य तथा विश्वसनीय होने चाहिए। इसके बाद सहज विकास होना चाहिए कथानक का, प्लाट का। कथानक को सहज तथा विश्वसनीय ढंग से आगे बढ़ना चाहिए। प्लाट को उनकी घटनाओं के बीच सहज कार्य कारण संबंध होना चाहिए और उसमें कुतूहल तथा विस्मयजनक घटनाएं भी ऐसी होनी चाहिए कि वे अनपेक्षित या अविश्वसनीय प्रतीत ना हो। उन्हें कथानक के स्वाभाविक अंग के रूप में आना चाहिए। मतलब कथानक को धीरे धीरे सहज और विश्वसनीय ढंग से आगे बढ़ना चाहिए और उसमें जो घटनाएं हों, कार्य कारण संबंध, मतलब इस कारण से यह कार्य हुआ या यह कार्य हुआ इसलिए इसका परिणाम यह हुआ, तो कार्य कारण का संबंध होना चाहिए और लोगों में कौतूहल और जिज्ञासा भी होनी चाहिए। लेकिन ऐसी घटनाएं ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल ही अविश्वसनीय ना हो या अनपेक्षित ना हो। मतलब जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो स्वाभाविक रूप से कथानक में आनी चाहिए। करुणा तथा त्रास की योजना, ये त्रासदी का मुख्य हिस्सा है। करुणा और त्रास, त्रास मतलब दुख पीड़ा या भय, इन तमाम बातों के साथ ही त्रासदी की प्रधान विशेषता है उसमें करुणा और त्रास की योजना, यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। कथानक का जो अंश इन भावों को उद्बुद्ध करता है, प्रकट करता है, बढ़ावा देता है, वही त्रासदी का सबसे प्रमुख अंश होता है। मतलब कथानक का जो हिस्सा त्रास की भावना को, करुणा और त्रास को बढ़ावा देता है, इसको प्रचुरता प्रदान करता है, जागृत करता है, वही त्रासदी का सबसे प्रमुख अंश होता है। ये भाव प्राय तब जागते हैं जब त्रासदी में प्रधान पात्र का अपकर्ष दिखाया जाता है। हमारे मन में करुणा और त्रास का भावना तब उत्पन्न होता है जब हम त्रासदी को देखते हुए यह पाते हैं कि उसका जो नायक या नायिका है उसके जीवन में क्या होता है, उसका पतन दिखाया जाता है। कुछ ऐसी घटनाएं उसकी घटित हो जाती है जिसके लिए वो जिम्मेदार नहीं रहता, लेकिन उसमें दुख और पीड़ा उत्पन्न हो जाता है और उसको देख के हमारे मन में भी करुणा और त्रास उत्पन्न होता है। इससे उत्पन्न करुणा तथा त्रास के भाव ही त्रासदी की अंतिम परिणति हो, वह सुखान भी हो सकती है, किंतु त्रासदी होने की शर्त यह है कि करुणा तथा त्रास के भाव उसमें अधिक तीव्र तथा अधिक व्यापक हो। त्रासदी का उद्देश्य ही यह है कि वह हमारे मन में जो करुणा और त्रास की भावना है उसका विरेचन करे, उन्हें शांत करे। तो यह प्रचुर मात्रा में पात्रों के द्वारा अभिनीत किया जाना चाहिए और यह सुखांत भी हो सकता है, लेकिन यह कब सुखांत होगा, जब करुणा और त्रास की भावना बहुत ज्यादा प्रचुरता से आएगी हमारे मन में, तो हम बहुत ज्यादा दुखी होंगे, आंखों से आंसू निकल जाएगी और हमारे जो करुणा और त्रास की भावना है उसका विरेचन हो जाएगा, तो हमारा मन शांत हो जाएगा, निर्लिप्त हो जाएगा और हम सुखी महसूस करने लगेंगे। ये भाव ही विरेचन के माध्यम से श्रोता, पाठक या दर्शक में आनंद उत्पन्न करते हैं। जब जब दर्शकों का पात्र के साथ साधारणीकरण हो जाता है, वो उसकी दुख या करुणा या पीड़ा को अपने मन में महसूस करने लगते हैं, तो इसके माध्यम से दर्शकों के मन में जो करुणा और त्रास विद्यमान है उसका विरेचन हो जाता है और इस विरेचन के माध्यम से ही जो श्रोता है या पाठक है या दर्शक है उनके मन में आनंद उत्पन्न हो जाता है। अब जो हमारा दूसरा है, जो त्रासदी का जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है वह चरित्र चित्रण, करेक्टर या करेक्टराइजेशन, चरित्र कैसे होने चाहिए त्रासदी में। इस प्रकार हमने देखा कि अरस्तु ने त्रासदी के तत्व में सबसे अधिक महत्व कथानक और कार्य व्यापार को दिया है। मतलब जो एक्शंस हैं, प्लाट को सबसे ज्यादा महत्व दिया है और कार्य व्यापार, डे टू डे लाइफ के जो एक्शंस हैं, जो हमारी गतिविधियां हैं, जो कार्य हैं, उनको अधिक महत्व दिया है और कथानक को अधिक महत्व दिया है। कार्य व्यापार का निष्पादन चूंकि चरित्रों के द्वारा होता है, अब जो कार्य व्यापार है, जो एक्शंस हैं, उनको कौन दिखाएगा, तो करेक्टर दिखाएंगे, पात्र दिखाते हैं। मतलब किसी काम को होते हुए यदि आपको दिखाना है तब आपको पात्रों की जरूरत पड़ेगी।
इसलिए कथानक के बाद चरित्र ही उनकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है। तो कथानक को उन्होंने सबसे ज्यादा महत्व दिया प्लाट को, उसके बाद उन्होंने चरित्रों को, पात्रों को महत्व दिया। वे मानते हैं कि त्रासदी के पात्रों का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है, किंतु उनका चरित्रांकन त्रासदी के समग्र कथ्य के अनुरूप होना चाहिए। मतलब त्रासदी के पात्रों का एक विशिष्ट व्यक्तित्व होता है, लेकिन इनका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? कथानक के अनुरूप होना चाहिए। इनका चरित्रांकन, इनका कैरेक्टराइजेशन कथानक के प्लाट के हिसाब से होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इनके माध्यम से त्रासदी का नैतिक प्रयोजन भी अभिव्यक्त होना चाहिए। नैतिक प्रयोजन मतलब जो मॉरल पर्पज है कि त्रासदी के माध्यम से हम क्या संदेश देना चाहते हैं, वह भी अभिव्यक्त होना चाहिए। अरस्तु चरित्रों के यथार्थ अंकन पर भी बल देते हैं। मतलब जो हमारे चरित्र हैं वे यथार्थ होने चाहिए, हमारे जो हमारे आसपास रहने वाले जो चरित्र हैं यथार्थ चरित्र वैसे ही होने चाहिए। ऐतिहासिक पात्रों का जहाँ चित्रण हो वह उनके इतिहास प्रसिद्ध रूप से बहुत भिन्न ना हो। लेकिन जब हम त्रासदी के लिए ऐतिहासिक पात्रों का चयन करते हैं तो वास्तव में जो इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनका वास्तव में जैसा चरित्र है वैसे उनका चरित्रांकन करना चाहिए। जैसे महाराणा प्रताप का चरित्रांकन करना है तो जैसा उनका वास्तव में व्यक्तित्व था, तो हमारे जो त्रासदी का जो कैरेक्टर है, जो पात्र है, वो बिल्कुल भी वैसा होना चाहिए। अन्य चरित्रों के अंकन में भी संभाव्यता का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। त्रासदी में हमको ऐसे चरित्र लेने चाहिए जैसे चरित्र हमारे आसपास विद्यमान होते हैं या जिनके होने की संभावना होती है। चरित्रांकन में औचित्य तथा एकरूपता या अनविति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। गतिशील चरित्रों में जो परिवर्तन दिखाए जाए वे असंगत या अस्वाभाविक ना हो। मतलब जो हम चरित्रांकन कर रहे हैं, कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, चरित्रों का जो वर्णन कर रहे हैं, वह ऐसे होने चाहिए जिसका औचित्य हो, है ना। और एकरूपता या अनविति का भी ध्यान रखना चाहिए। अन्य कैरेक्टर से कैसे जुड़े हैं, उनके जीवन में आने वाली घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि नहीं, और जो चरित्र हैं उनमें जो बदलाव आ रहा है वह परिस्थितियों के कारण आ रहा है। तो वह जो नायक है या नायिका है या जो अन्य पात्र हैं उनमें जो परिवर्तन, उनके व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है वह परिस्थितियों के कारण आ रहा है। तो यह असंगत या अस्वाभाविक नहीं होना चाहिए। वस्तुतः चरित्रांकन के लिए अरस्तु ने कुछ आधारभूत सिद्धांतों पर बल दिया है, वे इस प्रकार है। चरित्रांकन कैसा होना चाहिए, पात्रों का कैरेक्टराइजेशन कैसा होना चाहिए, चरित्र भद्र होना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, और उनके माध्यम से नैतिक उद्देश्य की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, है ना, नैतिक मूल्य होने चाहिए, और जो नैतिक उद्देश्य है, मोरल पर्पस है, उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से कथन के माध्यम से और अप्रत्यक्ष रूप से कार्य व्यापार के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति हो सकती है। मतलब उनके जो डायलॉग्स हैं या तो वो हमको नैतिक रूप से ऊपर उठाते हों, नैतिक संदेश देते हों, या फिर उनके जो एक्शंस हैं, जो अभिनय है, उसके माध्यम से नैतिक गुणों का विकास होता है, अभिव्यक्ति होती है। दूसरा, चरित्रों के अंकन में औचित्य मतलब उसकी जरूरत या आवश्यकता तथा एकरूपता या अनविति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। औचित्य या अनविति का अर्थ है किसी चरित्र में विसंगत या परस्पर विरोधी विशेषताएं नहीं दिखाई जानी चाहिए, उसकी विशेषताएं स्थिति तथा प्रकृति के ही अनुरूप हों। मतलब एक ही कैरेक्टर में दो अलग अलग प्रकार के गुण नहीं दिखाए जाने चाहिए। वह बहुत गुणी भी है और उसमें कुछ दोष भी है। जैसे वह बहुत, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, चरित्र बहुत अच्छा है, एक जगह आपने दिखाया कि चरित्र बहुत अच्छा है और दूसरी जगह आप दिखाते हैं कि वह व्यभिचार भी कर रहा है, तो ऐसी विसंगति नहीं होनी चाहिए। तीसरा, चरित्रों में स्वाभाविकता तथा संभाव्यता होनी चाहिए, अर्थात जीवन के यथार्थ से उनका मेल हो। जो कैरेक्टर हम ले रहे हैं त्रासदी के लिए, जो चरित्रांकन कर रहे हैं, जो कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, वह स्वाभाविक होना चाहिए और संभाव्य होना चाहिए। मतलब उस प्रकार के चरित्र या कैरेक्टर या पात्र हमारे समाज में होने चाहिए, अर्थात जीवन के यथार्थ से उनका मेल हो। गतिशील चरित्र में दिखाए जाने वाले परिवर्तन भी असंगत या यथार्थ विरोधी ना हो। गतिशील मतलब जैसे जैसे हमारा त्रासदी आगे बढ़ती है, हमारा नाटक आगे बढ़ता है, पात्रों के व्यवहार में, उनकी कार्यप्रणाली में परिवर्तन आता जाता है, लेकिन यह परिवर्तन भी असंगत नहीं होना चाहिए, यथार्थ विरोधी नहीं होना चाहिए कि पहले बहुत अच्छा आदमी था, अचानक से बहुत खराब व्यक्ति बन गया किसी कारण से, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी से यह बात जुड़ी है कि चरित्रों में आए परिवर्तन उनकी मूल प्रकृति के अनुरूप तथा स्वाभाविक हो। मतलब धीरे धीरे जैसे हमारा प्लाट आगे बढ़ता है, हमारा कथानक आगे बढ़ता है, तो चरित्रों के व्यवहार में या चरित्र में जो परिवर्तन आता है वह उस चरित्र की मूल प्रकृति, जो मौलिक प्रकृति है नायक या नायिका की या अन्य पात्रों की, उसके अनुरूप होना चाहिए और यह स्वाभाविक होना चाहिए। जैसे बचपन में हम अलग प्रकार से सोचते हैं, हम जब जवान होते हैं तो अलग प्रकार से सोचते हैं, उसके बाद प्रौढ़ होंगे, बुजुर्ग होंगे, तो हमारे जो सोचने का जो तरीका है वह अलग अलग प्रकार का होता है ना।
बच्चे अलग प्रकार से सोचते हैं, युवा अलग प्रकार से सोचते हैं, किशोर अलग तरीके से सोचते हैं, वृद्ध व्यक्ति अलग तरीके से सोचते हैं, तो यह स्वाभाविक परिवर्तन है, ऐसा परिवर्तन आना चाहिए। चरित्रांकन में अरस्तु में चित्रांकन को अपना आदर्श माना है। जैसे चित्र बनाते हैं, उनका कहना था कि जिस प्रकार चित्रकार बाह्य जगत को अपने विषय के तौर पर लेते हुए भी उसे अधिक सुंदर रूप में प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार रचनाकार को भी स्वाभाविकता तथा यथार्थ की रक्षा करते हुए चरित्रों को अधिक सुंदर तथा परिष्कृत रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। अरस्तु जो चरित्रांकन है उसको चित्रांकन से उसकी तुलना करते हैं। जैसे कोई चित्रकार है जो वस्तु जगत है, जो हमारे आसपास जो दुनिया है वहां से वह अपनी प्रेरणा ग्रहण करता है, उसको अपने विषय के रूप में चयन करता है, लेकिन उसको और बहुत सुंदर बना देता है उस चित्र को, है ना। माने दुनिया में जो देखा उसको बहुत सुंदर रूप में चित्र चित्र के रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक वैसा ही एक रचनाकार है, जो त्रासदीकार है, वह भी यथार्थ की रक्षा करते हुए अपने चरित्रों को बहुत ही सुंदर रूप दे सकता है, परिष्कृत रूप दे सकता है और प्रस्तुत कर सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं त्रासदी का नायक कैसा होना चाहिए। त्रासदी विवेचन में यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि नायक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, तो त्रासदी का नायक कैसा होता है इस पर भी अरस्तु ने प्रकाश डाला है। नायक त्रासदी का केंद्र होता है। त्रासदी की सभी घटनाओं तथा कार्यों का संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नायक से ही होता है, हीरो से ही होता है। मतलब जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितने भी प्रसंग होते हैं वे किसी न किसी प्रकार से नायक से जुड़े होते हैं, और वही नाटक की अनुविति का सूत्र होता है। अनुविति मतलब एक रूपता या सूत्रबद्धता। नाटक का मूल सूत्रधार वही होता है, उसी के माध्यम से त्रासदी में करुणा तथा त्रास के भाव उद्भुत होते हैं, और वह नायक ही होता है जिसके कारण त्रासदी के माध्यम से हमारे मन में करुणा तथा त्रास के भाव जागृत होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि त्रासदी का नायक कैसा होना चाहिए। कोई त्रासदी यदि त्रासदी का त्रासदी लिख रहा है, कोई त्रासदी नाटक लिख रहा है ट्रेजिडी, तो किस प्रकार का नायक होना चाहिए उसमें। नायक को सर्वथा निर्दोष नितान सज्जन व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का अपकर्ष दर्शकों को आघात पहुंचाता है, उनमें करुणा तथा त्रास के स्थान पर हताशा तथा आदर्श के प्रति अनास्था के भाव जगाता है। जैसे हमारा पात्र बहुत सज्जन व्यक्ति है, बिल्कुल निर्दोष है, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, और उसके जीवन में जब दुख आता है, कष्ट आता है, पीड़ा आती है, कोई इससे क्या होता है, जो दर्शकों के मन में निराशा उत्पन्न होती है, आदर्श के प्रति अनास्था का भाव जगता है। अरे देखो इतना सज्जन व्यक्ति है, समाज या देश के लिए इसने इतना अच्छा किया, और आखिर उसका क्या हुआ। तो इससे लोग निराश होते हैं, इतने अच्छे व्यक्ति के साथ जब ये हो रहा है तो सारी दुनिया बेकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इतना सज्जन या भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके व्यक्तित्व में कोई फॉल्ट ना हो, कोई कमी ना हो, कोई दोष ना हो। मतलब वह एक साधारण व्यक्ति होना चाहिए जिसमें गुण के साथ साथ दोष भी विद्यमान होते हैं। वह खल पात्र भी नहीं होना चाहिए, विलेन भी नहीं होना चाहिए, खलनायक, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का पतन करुणा तथा त्रास पैदा नहीं करता, वरन दर्शकों की न्याय भावना को पुष्ट करता है। त्रासदी का मुख्य उद्देश्य क्या है, करुणा और त्रास को चरम स्थिति में पहुंचाकर इनका विरेचन करना, इनको दूर करना। लेकिन यदि खलनायक है कोई, अब उसका कोई पतन हो रहा है, जैसे रावण का वध हो रहा है, कंस का वध हो रहा है, तो हमारे मन में कोई करुणा और त्रास उत्पन्न नहीं हो रहा है, बल्कि हम खुश हो रहे हैं, न्याय भावना को पुष्ट कर रहा है, तो त्रासदी का यह उद्देश्य नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरस्तु के अनुसार त्रासदी के नायक को कुलीन, कुलीन मतलब अच्छे घर में उत्पन्न, नायक अच्छे घर में उत्पन्न होना चाहिए, अत्यंत वैभवशाली होना चाहिए, व्यक्तित्व बहुत अच्छा होना चाहिए, यशस्वी होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए और प्रभावशाली होना चाहिए, ताकि उसका अपकर्ष बृहत्तर समाज को भी प्रभावित करें। मतलब यदि नायक कुलीन है, अच्छे घर में उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, अत्यंत वैभवशाली यशस्वी है, उसके बाद भी उसका पतन होता है, तो यह बृहत्तर समाज को, बहुत बड़े समाज को प्रभावित करता है कि देखो इतने महान व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ। इस तरह त्रासदी का नायक अत्यंत महान या परम दुष्ट न होकर सामान्य मानव जैसा होना चाहिए, जिसके चरित्र में अच्छाई के साथ साथ कमजोरियां भी होती हैं। मतलब वह अत्यंत महान या महान भी नहीं होना चाहिए, परम दुष्ट भी नहीं होना चाहिए, बल्कि एक साधारण व्यक्ति होना चाहिए जिसके जीवन में गुण भी है, जो दोष भी है, अच्छाई भी है, बुराई भी है, कमजोरियां भी है, किंतु मूल रूप से उसे सज्जन होना चाहिए। लेकिन आमतौर पर उसे क्या, सज्जन व्यक्ति होना चाहिए। उसकी कमजोरियां या कमियां ही उसकी विपत्तियों का कारण बनती है, किंतु मूलतः सज्जन होने के कारण वह पाठकों या दर्शकों से तिरस्कार के स्थान पर सहानुभूति अर्जित करता है, और उसकी दुर्दशा उनमें करुणा तथा त्रास जगाती है। जैसे ईडिपस वाले मामले में हमने देखा, या फिर ओथेलो के मामले में हमने देखा कि वह सज्जन व्यक्ति था, लेकिन कान का कच्चा था, वह उसकी चरित्र की दुर्बलता थी, और वही उसकी विपत्ति का कारण बनता है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऐसे नायक के जीवन में जो कष्ट या करुणा या त्रास उत्पन्न होता है, तो वह दर्शकों या पाठकों से सहानुभूति प्राप्त करता है,
और दर्शकों में उसकी दुर्दशा करुणा तथा त्रास उत्पन्न करती है, ऐसा होना चाहिए नायक। तीसरा है, जो त्रासदी है उसका तीसरा प्रमुख तत्व है विचार या थॉट। अरस्तु ने विचार के अंतर्गत केवल बुद्धि तत्व ही नहीं बल्कि भाव तत्व को ही को भी समेटा है। बुद्धि तत्व मतलब लॉजिक और भाव तत्व मतलब इमोशंस एंड फीलिंग्स, इन दोनों को शामिल किया है। बुद्धि के स्तर पर सामान्य सत्य की व्यंजना करने का माध्यम होता है, अर्थात वह सामान्य सत्य का संकेत करता है, साथ ही प्रमाणों तथा तर्क द्वारा या किसी वस्तु के भाव होने या अभाव न होने को भी सिद्ध करता है। मतलब लॉजिक का काम क्या है, तर्क का काम क्या है। तर्क यह बताता है कि ऐसा है तो है और ऐसा नहीं है तो क्यों है, यदि ऐसा है तो क्यों है और ऐसा नहीं है तो क्यों है, इसको हम कहते हैं लॉजिक। और भाव के स्तर पर मतलब उसमें विचार ऐसा होना चाहिए जो लॉजिकल भी हो, और भाव कैसा होना चाहिए त्रासदी में, भाव के स्तर पर यह करुणा त्रास या क्रोध आदि की व्यंजना करता है, मतलब इसको अभिव्यक्ति प्रदान करता है, उनका मूल्यांकन भी करता है। इसके अंतर्गत चिंतन भी आ जाता है और तर्क भी। इसका साधन वाणी या भाषा है और विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा भी विशिष्ट होना चाहिए। मतलब बुद्धि और तर्क और भावना इन सब का समन्वय होना चाहिए विचार के अंतर्गत। त्रासदी में लॉजिक भी होना चाहिए कि जो घटनाएं हो रही है तर्क संगत ढंग से घटनाएं होनी चाहिए, लॉजिक होना चाहिए और भावनाओं को भी प्रचुरता प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि इसमें करुणा और त्रास को महत्व प्रदान किया जाता है। और इन विचारों को व्यक्त करने वाली, इन भावनाओं या इन विचारों को व्यक्त करने वाली जो भाषा है वह भी विशिष्ट होना चाहिए। तो इन विचारों या भावनाओं को व्यक्त करने वाली भाषा विशिष्ट होना चाहिए, ये विचार। अब जो त्रासदी का अगला तत्व है चौथा पद विन्यास या डिक्शन। इसके अंतर्गत क्या आता है, रस छंद अलंकार या शब्दों का प्रयोग आता है कि शब्दों को हम कैसे जमाते हैं, कैसे विन्यस्त करते हैं। अरस्तु के युग में वक्तित्व कला इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती थी कि इसका विकास एक शास्त्र के रूप में हो गया था। वक्तित्व कला मतलब भाषण कला, भाषण देने की कला है जो बोलने की कला है, तो उस समय यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था। उस समय इसने एक शास्त्र का रूप ले लिया था, भाषण कला, वक्तित्व कला। इसी से आप समझ सकते हैं कि वाणी या भाषा और उसके विन्यास को उस युग में कितना महत्व प्राप्त था। त्रासदी जो वो विचार तो नहीं होता था, उसे अभिव्यक्त करने का माध्यम भी भाषा ही है। मतलब त्रासदी में जो हम विचार या जिन भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं उनका माध्यम भाषा है, और भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है त्रासदी में। अरस्तु के अनुसार पद विन्यास का अर्थ था शब्दों द्वारा अर्थ की अभिव्यक्ति, मतलब शब्दों को इस क्रम में जमाना कि शब्दों के माध्यम से अर्थ की सही ढंग से अभिव्यक्ति हो जाए, इसे बोलते हैं पद विन्यास। जैसे हम कोई वाक्य लिख रहे हैं तो उसमें हम शब्दों का चयन इस प्रकार से करते हैं और शब्दों को वाक्यों में इस तरह से पिरोते हैं कि उसका एक निश्चित अर्थ निकलता है, तो ऐसा होना चाहिए पद विन्यास। जिस त्रासदी के कथानक और चरित्र यथार्थ जगत से उठाए जाकर भी यथार्थ के अपेक्षा कुछ विशिष्ट होते हैं, उसी प्रकार उसकी भाषा मूलतः प्रचलित भाषा होते हुए भी विशिष्ट होती है ताकि वह त्रासदी के विचार तत्व में निहित सत्य को अभिव्यक्त कर सके। वह भाषा अलंकृत होनी चाहिए, अर्थात उसमें लय सामंजस्य और गीत का समावेश हो। वह प्रसाद गुण संपन्न, प्रसन्न, समृद्ध और उदात्त होनी चाहिए। तो पद विन्यास के माध्यम से अरस्तु ने बताया है कि त्रासदी की भाषा कैसी होनी चाहिए। जैसे जो त्रासदी के जो पात्र हैं, जो नायक या नायिका हैं, उसको हम आम जिंदगी से यथार्थ से उठाएं, लेकिन उसको हमने उदात्त रूप प्रदान कर दिया है त्रासदी में, उन्हें हमने परिष्कृत रूप प्रदान कर दिया है। उसी प्रकार त्रासदी की भाषा भले ही हमारी आम बोलचाल की भाषा से ली गई हो, लेकिन उसे त्रासदी में आने के बाद उसको उदात्त रूप प्रदान किया जाना चाहिए और वह भाषा अलंकृत होनी चाहिए। उसमें रस छंद अलंकार सबका भली भांति प्रयोग किया जाना चाहिए, उसमें सामंजस्य होना चाहिए और उसमें गीत भी होना चाहिए। वह प्रसाद गुण संपन्न, प्रसाद गुण है ना, जो गुण होते हैं वाक्य भाषा के, वाक्य शब्दों के, शब्द गुण, प्रसाद गुण, उसे संपन्न होने चाहिए। प्रसन्न, समृद्ध और उदात्त होने चाहिए, बहुत ही विशिष्ट भाषा होनी चाहिए, अच्छी भाषा होनी चाहिए, इसको बोलते हैं पद विन्यास। डिक्शन, उदात्तता मतलब सबलाइन, जो लंजाई ने इसका सब्लाइम है, उदात्तता का की अवधारणा है, इस पर मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा। उदात्त मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, महान। उदात्तता से अरस्तु का आशय है कि त्रासदी की भाषा चलती हुई क्षुद्र भाषा ना हो, जो दिन प्रतिदिन की बेकार टाइप की जो भाषा होती है वैसी भाषा नहीं होनी चाहिए, स्लंग लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। उसमें त्रासदी के विषय के अनुरूप गरिमा हो। त्रासदी को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ विधा बताया है अपने समय की, इसलिए जो त्रासदी की भाषा जो है वह गरिमामय होनी चाहिए। किंतु वे इस बात पर भी बल देते हैं कि भव्यता, उदात्तता या गरिमा का अर्थ वगा नंबर नहीं होता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भाषा उदात्त होनी चाहिए, मतलब बहुत ही कठिन और क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाए,
जो व्यक्ति समझ ना पाए। मतलब भाषा सर्वश्रेष्ठ और उदात्त होनी चाहिए, लेकिन वह लोगों के समझ में भी आनी चाहिए। जबरदस्ती आडंबरपूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि जो त्रासदी का जो लेखक है बहुत विद्वान है, ज्ञानी है। अनेक स्रोतों से औचित्य तथा आवश्यकता के अनुरूप शब्द ग्रहण करने के कारण भी वह भाषा समृद्ध होती है। मतलब त्रासदी की जो भाषा होती है वह अनेक स्रोतों से ली जानी चाहिए। औचित्य मतलब उसकी उपयोगिता होनी चाहिए, उसकी आवश्यकता होनी चाहिए। मतलब ऐसे शब्द होने चाहिए जो उपयोगी भी हो और आवश्यक भी हो और लोगों के समझ में भी आ सके। अरस्तु त्रासदी के लिए छंदोबद्ध भाषा या पद्य को ही अधिक उपयुक्त मानते हैं, क्योंकि जो त्रासदी है उसे काव्य ही माना जाता था उस समय, काव्य नाटक। हालांकि तो ये कहते हैं कि जो त्रासदी की जो भाषा है छंदोबद्ध होनी चाहिए, पद्य होनी चाहिए, कविता की शैली में होनी चाहिए, पद्य के रूप में। हालांकि गद्य कवि वे विरोध नहीं करते, हालांकि अरस्तु गद्य कवि विरोध नहीं करते। गीत को भी वे त्रासदी का अभिन्न अंग मानते हैं। मतलब त्रासदी में गीत भी होना चाहिए, गाना भी होना चाहिए, यह भी अभिन्न अंग है। उनके समय में त्रासदी में वृंद गान या कोरस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती थी और वृंद गान की आवश्यकता पर भी उन्होंने बहुत बल दिया है। मतलब उनके समय जो त्रासदी होती थी तो उसमें कोरस रहता था, मतलब चार पांच गायक आकर गाते थे, इसको बोलते हैं कोरस। चार पांच गायक मिलकर जब कोई गाते हैं वहां पर नाटकों में तो उसे बोला जाता है कोरस। तो कोरस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसकी आवश्यकता पर उन्होंने बहुत बल दिया है। दृश्य विधान, दृश्य विधान स्पेक्टेकल, दृश्यों को कैसे सुसंबद्ध ढंग से वहां पर प्रदर्शित किया जाए, अभिनीत किया जाए। त्रासदी के कार्य व्यवहार का संचालन यदि चरित्रों के माध्यम से होता है तो उसकी प्रस्तुति दृश्य विधान के माध्यम से होती है। मतलब जो एक्शंस हैं उनको अभिनीत कौन करते हैं, जो पात्र होते हैं, लेकिन उनकी प्रस्तुति कैसे होती है, दृश्यों के माध्यम से होती है ना। दृश्यों के माध्यम से हम त्रासदी को देखते हैं। दृश्य विधान का अर्थ है रंगमंचीय साधनों का प्रयोग। और दृश्य विधान से क्या तात्पर्य, जो रंगमंचीय साधन है जैसे लाइट कैमरा ये सब हम जो देखते हैं, जैसे नाटक देखने गए हैं रंगमंच में तो वहां पर लाइट रहेगा और वहां पर जो पर्दा रहेगा, अलग अलग चीजों का वहां पर प्रयोग किया जाएगा, जो रंगमंच है दृश्य विधान। तो रंगमंच के जो साधन होते हैं, जो नाटक के जो साधन होते हैं उनका प्रयोग। अरस्तु मानते थे कि इन साधनों के कुशल प्रयोग से त्रासदी के प्रभाव को सघन करने में सहायता मिलती है, किंतु इसे उन्होंने त्रासदी का अनिवार्य या महत्वपूर्ण अंग नहीं माना। यद्यपि दृश्य विधान महत्वपूर्ण तो है लेकिन वो इसे त्रासदी का अनिवार्य अंग नहीं मानते। उनका मानना यह था कि त्रासदी जरूरी नहीं है कि किसी त्रासदी को रंगमंच पर अभिनीत ही किया जाए, त्रासदी को पढ़कर भी हम आनंद उठा सकते हैं। इस पर उन्होंने बहुत अधिक विचार नहीं किया, रंगमंच के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा विचार नहीं किया। क्यों विचार नहीं किया, इसके दो कारण हैं। एक तो दृश्य विधान रंगमंच से जुड़ा हुआ है, रचना के लेखन से नहीं। जो त्रासदीकार है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में त्रासदी को जिस यदि कोई जो डायरेक्टर है, जो निर्देशक है, वह चाहता है कि इसे मंच पर अभिनीत किया जाए, तो यह रंगमंच से जुड़ा मामला है दृश्य विधान। यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह आवश्यक संसाधन जुटाए। और दूसरा, यह मंच शिल्पी का काम है, त्रासदीकार का इससे उतना संबंध नहीं है। जो त्रासदी के जो लेखक हैं उसका इससे ज्यादा संबंध नहीं है। दूसरा कारण यह है कि अरस्तु के अनुसार त्रासदी की प्रभावात्मकता मात्र उसकी अभिनेता में ना होकर काव्यात्मकता में भी निहित है। मतलब वास्तव में जो त्रासदी की जो प्रभाव है, जो त्रासदी का जो प्रभाव है वह सिर्फ उसको अभिनीत किया जाए तभी हम उसके प्रभाव को महसूस करेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि त्रासदी को हम पढ़ते हैं तब भी काव्य को पढ़ने से हमको जो आनंद प्राप्त होता है वैसा ही हमको त्रासदी को पढ़ने से ही आनंद प्राप्त होता है, उसको मंच पर अभिनीत करना आवश्यक नहीं है। ये उनका दृश्य विधान के बारे में मानना था। अब गीत, गीत या सॉन्ग क्या होते हैं त्रासदी में, उस समय गीत भी बहुत अनिवार्य थे। पद विन्यास के संदर्भ में उल्लेख हो चुका है कि अरस्तु गीत को त्रासदी का अनिवार्य अंग मानते थे। मतलब जो गीत है या जो सॉन्ग है त्रासदी का अनिवार्य अंग है उनके हिसाब से। ग्रीक नाटकों में गायकों का समूह होता था जो कोरस कहलाता था। ग्रीक नाटकों में वृंद गान या समूह गान करने वाले इस कोरस की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। कोरस अपने गीतों के माध्यम से पूर्व घटित स्थितियों और घटनाओं का परिचय देता था और उन पर टिप्पणी करता था, आगे आने वाली घटनाओं और नाटक की कथा के रिक्त स्थानों की पूर्ति करता था। तो उस समय यूनान में जो नाटक दिखाए जाते थे, जो मंचित किए जाते थे, जो नाटक रंगमंच पर अभिनीत किए जाते थे, उसमें वहां पर कोरस की व्यवस्था होती थी। कोरस मतलब तीन चार गायक आकर वहां पर गाते थे, एक साथ गाते थे और गाने के माध्यम से बताते थे कि पहले क्या क्या घटनाएं हो चुकी हैं और उसका प्रभाव क्या पड़ा है और भविष्य में कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। तो इनकी वो झलक देखते थे गाने के माध्यम से, एक साथ गाते थे, इसलिए उन्हें कहा जाता था कोरस।
और कई बार ऐसी घटनाएं भी आती थी जो दृश्य रूप में प्रस्तुत नहीं की जाती थी। कोरस उनकी सूचना देकर कथा को आगे बढ़ाता था। कई बार कुछ ऐसी घटनाएं भी आ जाती थी नाटक में जिनको मंच पर अभिनीत करना संभव नहीं हो पाता था, तो कोरस के माध्यम से उन घटनाओं के बारे में सूचना दिया जाता था और इस प्रकार कथा को आगे बढ़ाया जाता था। अरस्तु मानते थे कि नाटक में वृंदगान का महत्व किसी पात्र से कम नहीं है, तो इन्होंने कोरस को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान किया है। और उनका मानना है कि कोरस भी एक पात्र होता है त्रासदी का। वह नाटक में आनंद तथा गंभीरता की सृष्टि करता है और इसके प्रभाव की वृद्धि करता है। मतलब जो कोरस होता है वह नाटक में आनंद और गंभीरता की सृष्टि करता है, गंभीरता उत्पन्न करता है, आनंद उत्पन्न करता है और वह नाटक या त्रासदी के प्रभाव में वृद्धि करता है, उसको बढ़ाता है। अब हम देखते हैं उपसंहार। अब इन सब का यहाँ पर हम समराइज कर लेते हैं, उपसंहार क्या होता है। अरस्तु ने सभी विधाओं में त्रासदी को सर्वोच्च स्थान दिया है। कामदी, महाकाव्य आदि अन्य विधाओं पर बातचीत में भी उन्होंने त्रासदी को ही संदर्भ बनाया है। जब वो कामदी या कॉमेडी के बारे में बात करते हैं, महाकाव्य के बारे में बात करते हैं, उनका उल्लेख करते हैं, तब भी वे त्रासदी को सर्वाधिक महत्व देते हैं अन्य सभी विधाओं की तुलना में। अन्य सभी जो साहित्यिक आर्ट के जो फॉर्म हैं उनमें त्रासदी को सर्वाधिक महत्व प्रदान करते हैं। त्रासदी की भांति कामदी, कामदी मतलब कॉमेडी, त्रासदी मतलब ट्रेजेडी, त्रासदी की भांति कामदी भी एक नाट्य विधा है। त्रासदी को कहा जाता है दुखांत नाटक, जो दुख से समाप्त होता है, और कामदी या कॉमेडी को कहा जाता है सुखांत नाटक, जो सुख या खुशी में संपन्न होता है, समाप्त होता है। तो त्रासदी की भांति कामदी भी एक नाट्य विधा है, किंतु वह जिस यथार्थ का चित्रण करती है वह सामान्य से नीचे दर्जे का होता है। अरस्तु के अनुसार वो बोलते हैं कॉमेडी क्या है, नीचे दर्जे का होता है, अतः यह अपेक्षाकृत हल्की विधा है। त्रासदी का विषय भी वस्तु जगत से ही लिया जाता है, किंतु वह उस जगत के श्रेष्ठतर रूप का चित्रण करता है। भले ही जो त्रासदी का जो सब्जेक्ट है, जो कंटेंट है, जो कथा वस्तु है, वह हमारे डे टू डे लाइफ से लिया जाता है, वास्तविक जगत से लिया जाता है, वास्तविक संसार से लिया जाता है, लेकिन फिर भी यह उसे श्रेष्ठतर रूप में प्रस्तुत करता है, उसे चित्रित करता है। पहले महाकाव्य को त्रासदी से श्रेष्ठ माना जाता था क्योंकि महाकाव्य केवल काव्य के माध्यम से अपना पूर्ण प्रभाव छोड़ सकता है, जबकि नाटक या त्रासदी में पूरा प्रभाव डालने के लिए काव्य के अतिरिक्त अभिनय, संगीत तथा मंच आदि का भी सहारा लेना पड़ता है। पहले यह माना जाता था जो महाकाव्य है, महाकाव्य का आप खाली पढ़ के ही पूरा आनंद उठा सकते हैं, पूरा प्रभाव ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन त्रासदी का प्रभाव ग्रहण करने के लिए आपको काव्य भी चाहिए और वहां पर आपको मंच भी चाहिए, संगीत भी चाहिए, अभिनय भी चाहिए। तो ऐसा माना जाता था कि महाकाव्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, महाकाव्य ज्यादा अच्छा है, इससे ज्यादा महान है, अच्छा है। परंतु अरस्तु ने इसका खंडन किया और अरस्तु ने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि त्रासदी मात्र अभिनय ही नहीं पाठ भी होती है। इसका खंडन करते हुए अरस्तु ने कहा कि महाकाव्य की तरह त्रासदी को भी पढ़कर हम आनंद उठा सकते हैं, उसका प्रभाव ग्रहण कर सकते हैं। मतलब जिस प्रकार महाकाव्य को पढ़कर हम आनंद उठा सकते हैं, उसी तरह त्रासदी का आनंद उठाने के लिए भी उसे अभिनीत करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि त्रासदी को पढ़कर भी हम उतना ही आनंद उठा सकते हैं। यह अभिनय ही नहीं पाठ्य भी होती है, यह उनका मानना है। और उसे रंगमंच पर प्रस्तुत करना भी जरूरी नहीं है, त्रासदी को रंगमंच पर प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है उसका आनंद उठाने के लिए। महाकाव्य की भांति उसके पाठ से भी आनंद उठाया जा सकता है। संगीत तथा अभिनय उसके अतिरिक्त सहायक की भांति हैं जो उसके आनंद को और बढ़ा देते हैं। मतलब त्रासदी को हम पढ़कर भी आनंद उठा सकते हैं, लेकिन जब उसमें संगीत और अभिनय जोड़ दिया जाता है तो यह उसके अतिरिक्त सहायता प्रदान करते हैं उसको और उसके आनंद को और अधिक बढ़ा देते हैं। अरस्तु ने त्रासदी को महाकाव्य से श्रेष्ठ माना है। उस समय उनके समय में यूनान में महाकाव्य को श्रेष्ठ माना जाता था, लेकिन अरस्तु ने त्रासदी को महाकाव्य से श्रेष्ठ माना। इसका एक आधार यह था कि महाकाव्य का फलक बहुत विस्तृत होता है और उसकी कथा में अनेक प्रासंगिक कथाएं गुथी रहती हैं, इसलिए उसकी कथा और प्रभाव में बिखराव आ जाता है। इसके विपरीत त्रासदी का कथापट संक्षिप्त तथा सुगठित होता है। महाकाव्य की अनेक आधिकारिक प्रासंगिक कथाओं में से कोई एक भी त्रासदी का विषय बन सकती है, इसलिए त्रासदी में महाकाव्य की अपेक्षा अधिक सुगठन तथा अनुति दिखाई देती है, इसलिए इसका प्रभाव भी अधिक सघन होता है। अरस्तु ने त्रासदी को महाकाव्य से इसलिए श्रेष्ठ माना क्योंकि महाकाव्य में केवल एक ही घटना नहीं होती, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारे पात्र होते हैं, तो उसका जो प्रभाव होता है उतना ज्यादा हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। अब बहुत सारे प्रभाव, बहुत सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कोई घटना सुसंगत है, कोई घटना असंगत रूप से जुड़ी हुई है, तो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन महाकाव्य में बहुत सारी घटनाएं हैं, उनमें से केवल एक घटना को लेकर त्रासदी लिखा जा सकता है, तो चूंकि यह एक छोटा सा हिस्सा है तो
तो इसका प्रभाव अधिक व्यापक होता है, अधिक गहन होता है। तो इस प्रकार हमने अरस्तु के त्रासदी विवेचन को देखा, अरस्तु के त्रासदी सिद्धांत को समझने का प्रयास किया। और यदि आप लोगों को मेरा यह आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं मुझे कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा और मेरे सारे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं। साथ ही यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अंत में पुनः आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।